गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कल हमने कर लिया था, थोड़ा सा एक करेक्शन आप कर लीजिएगा। कल 3150 में से हमने 315 सबट्रैक्ट करना था, तो आया था 2835। ओके, जो कस्टमर को पे करना था, मैंने गलती से यहाँ 3150 माइनस 3150 कर दिया था, बल्कि 10% ऑफ 3150 315 आना चाहिए था ना, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक मिल्कमैन है, मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच, यानी कि पहली बफेलो को 20,000 रुपये में बेची, दूसरी भी, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो इज 20,000, है ना। ऑन वन ही हैज मेड गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो हिंट दिया है कि आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए दोनों ही बफेलोज का, ठीक है। पहली बफेलो में मान लीजिए, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो इज ₹X, तो लॉस कितने का हुआ है, मैंने लॉस वाला कंडीशन पहले ले लिया, लॉस जो है 10% का है, तो 10% का लॉस है उसमें, तो अमाउंट ऑफ लॉस फाइंड करेंगे, 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो 10/100 × x, 10 से 100, 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो x/₹10 का लॉस हुआ। तो अब आप क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये तो होता है ना, कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा आपको, तो x - x/10 इज इक्वल टू 20,000। इसको सिंप्लीफाई किया, 10 LCM आया है ना, तो 10x - x/10 इज इक्वल टू 20,000 ऐसा हुआ। ओके, तो ये आ गया 9x/10 इज इक्वल टू 20,000, क्या आया 9x/10 इज इक्वल टू 20,000। तो फ्रॉम हियर यू गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो, तो 20,000 10 मल्टीप्लाई में आ गया, 9 डिवाइड में आ गया, तो 2 लाख डिवाइड बाय 9, अगर मैं डिवाइड करूँ तो 9 × 18 तो ऐसा आ रहा है 22,222.22। ये आ गया कॉस्ट प्राइस पहली बफेलो का। ओके, दूसरी बफेलो में क्या लिखा है, ऑन वन बफेलो ही मेड गेन ऑफ 5%, तो मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस वाई है, प्रॉफिट परसेंट 5% का हुआ, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, है ना। सेकंड बफेलो का कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए माने हमने उसको एक्स मान, वाई मान लिया, उस पर प्रॉफिट है 5% का, तो रुपए में इन अमाउंट यू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो 5% ऑफ वाई, तो 5/100 × y, यानी कि y/20, राइट। तो अब आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, जब प्रॉफिट पता हो, कॉस्ट प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये तो होता है, तो y + y/20 इज इक्वल टू 20,000, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आया 21y/20, ठीक है ना। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 20,000 × 20 / 21, तो 4 लाख डिवाइड बाय 21, तो 21 × 21 बचा 19, 21 × 19 = 189, बचा 1, तो 10 हुआ, तो 10 रख दिया, तो 19047.62, तो ये दूसरी बफेलो का कॉस्ट प्राइस आया और पहली बफेलो को 22,000। तो आप टोटल सेलिंग प्राइस निकालिए इस ट्रांजेक्शन का, टोटल सेलिंग प्राइस 22,222.22 + 19047.62, तो 41,269.84 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, अब आप देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस तो होगी 20,000 + 20,000, है ना, फर्स्ट बफेलो प्लस सेकंड बफेलो दोनों 20,000 रुपये में टोटल सेलिंग प्राइस है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस था ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, टोटल कॉस्ट प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस नहीं, टोटल कॉस्ट प्राइस आया इतना, टोटल कॉस्ट प्राइस 41,269 है और टोटल सेलिंग प्राइस तो 40,000 है, तो इसका मतलब लॉस हुआ है ना, टोटल सेलिंग प्राइस 40,000 है। तो अब क्या लिखेंगे, सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देयरफोर अमाउंट ऑफ लॉस, देयरफोर
अमाउंट ऑफ लॉस कहेंगे, क्या हो जाएगा 41,269.84 - 40,000, ये आया 1,269.84 रुपीस का लॉस हुआ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, एक टीवी का प्राइस 13,000 है, उस पर सेल्स टैक्स लगाएगा दुकानदार। देखिए बिल अमाउंट जो प्राइस है, जो प्राइस है उस पर सेल्स टैक्स ऐड होगा बिल अमाउंट पर उसका, तो फिर 12% की रेट से सेल्स टैक्स लगना है। तो फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, इट्स यू अमाउंट नॉट डिस्काउंट, इन द क्वेश्चन इट इज रिटन अमाउंट, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो देखिए प्राइस ऑफ टीवी 13,000, सेल्स टैक्स का परसेंटेज है 12%, तो अमाउंट ऑफ सेल्स है, कितना सेक्स टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना सेस या टैक्स पे करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 12% ऑफ 13,000, दो जीरो कैंसिल हुए, तो रुपीज 0, 12, 3 36 कैरी ऑन 3, तो 1560 इट कम्स, क्या आया सेल्स टैक्स इतना पे किया। तो अमाउंट टू पे, अमाउंट पे एबल, पेएबल ऐसा लिख दीजिए, प्राइस प्लस प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस सेल्स टैक्स, तो उसने पे करना पड़ेगा 13,000 प्लस 1560 रुपीस, टोटल इतना उसको पे करना पड़ेगा 14,560 रुपीस। ओके, जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया, सेल्स टैक्स जो है बिल अमाउंट पर, जो आपको पे करना है उस पर, हमेशा टोटल बिल अमाउंट पे। तो टीवी 13,000 का है, उसमें 12% का टैक्स लग गया, तो वो टैक्स ऐड होगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डिस्काउंट से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन क्या है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो याद रखिए हमेशा दुकानदार जो है मार्क प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट देगा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं देता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे अगर डिस्काउंट देगा तो उसको लॉस हो जाएगा, दुकानदार अपना लॉस नहीं करता है। दुकानदार क्या करता है, पहले प्राइस को बढ़ा देता है, एक स्टिकर लगा देता है कि जैसे 1500 रुपये की जीन्स है, तो उस पर जो है एक स्टिकर लगा देगा, उसको 2000 का स्टिकर लगा देगा, तो वो मार्क प्राइस हो गया। फिर उस पर वो जो है कहेगा कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 400 रुपये काट लेगा ना, तब भी वो पैसे कमा रहा है। ओके, इफ़ द अमाउंट ही पेज इज 1600 फाइंड द मार्क प्राइस, तो मान लीजिए मार्क प्राइस है रुपीज एक्स, तो डिस्काउंट है 20% का, आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो 20% ऑफ मार्क प्राइस, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ मार्क प्राइस, 20/100, परसेंट मीन्स 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स, तो 20 से 5 टाइम्स कटा तो क्या आया x/5। तो अब मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बिकम्स द सेल प्राइस। ओके, मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस, जो मार्क लगा हुआ है, जो मार्क प्राइस छपा हुआ है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे स्केट्स पे, उसमें से डिस्काउंट घटा दिया तो आपको इतने का पड़ेगा सेल प्राइस, तो x - x/5 इज इक्वल टू, वो दे रखा है आपको 1600, आपको 1600 पे किया है कस्टमर ने, तो 5 इज द LCM, 5x - x इज इक्वल टू 1600, फ्रॉम हियर यू गेट 4x/5 इज इक्वल टू 1600, और फ्रॉम हियर यू गेट x इज इक्वल टू 1600 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 4 से 400 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू 2000। तो मार्क प्राइस क्या था, तो मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू रुपीज 2000 एक्चुअली। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि आज इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो वीडियो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं, आज इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ, तो वीडियो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ।